फिरोजाबाद ट्रांसपोर्टर द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण से हो रहे नुकसान पर चलेगा नगर निगम का डंडा। नगर आयुक्त ने दिए कार्यवाही के आदेश। नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर जगह जगह लगाए गए गमलों को ट्रांसपोर्टरों के द्वारा तोड़ दिया गया है। इस मामले में नगर आयुक्त ने कार्यवाही के आदेश दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत फिरोजाबाद शहर को हरा भरा बनाने और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम द्वारा नेशनल हाईवे समेत विभिन्न स्थानों पर रंग बिरंगे गमले रखवाए गए हैं। कुछ ट्रांसपोर्टरों के द्वारा उन गमलों पर अपना सामान रख दिए जाने के चलते गमले क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त घनश्याम मीणा ने बताया कि गमला तोड़ने वाले ट्रांसपोर्टरों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। गमले शहर के सौंदर्यीकरण के लिए रखे गए हैं। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो पप्पू है। ये विश्वनाथ टूर ट्रेवल्स का सामान रखा हुआ है ना? तो यही बात करा दो ना, बस आ भैया। आप गमलों के ऊपर सामान रखे हुए हैं, किसका किसका रखा है? नहीं तो ये गमले नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं, अगर ये टूटी हुई टूट जाते फिर इसका कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, किन का रखा हुआ? किन का रखा हुआ है? किस नाम से ट्रेवल से गमले पे सामान रखा है? पीछे गमले टूट भी गए हैं। अरे पीछे देखो, सामने टूटा पड़ा है इन्हीं सामान के। तो ये आप ट्रेवल से या चला रहे, रोड पे सामान रखने की परमिशन है आप पे? नहीं, रोड पे रखने की परमिशन है आप पे? तो किसके नौकर हैं आप? क्या नाम है आपका? ये विश्वनाथ टूर ट्रेवल्स का सामान रखा हुआ है ना? सर, नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले लगाए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टर हैं वो अवैध रूप से अतिक्रमण करके उन गमलों को तोड़ रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की है? देखिए, अभी संज्ञान में आया है कि हाल में ही जो सौंदर्यीकरण के लिए और जो प्लांटेशन के लिए नगर निगम द्वारा NH पे सौंदर्यीकरण के अंतर्गत गमले लगाए जा रहे हैं, जिसमें वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। उसमें अभी मेरे संज्ञान में आया कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स रात को अपना जब माल उतारते हैं तो उन गमलों के ऊपर रखते हैं, जिससे गमले भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और जो वृक्षारोपण जो लगाया गया था पेड़ वहाँ पे, उनमें भी क्षति हो रही है। इसी क्रम में जो हमारे जितने भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हैं, उनको चिन्हांकन करने की कार्रवाई की जा रही है। उनको चिन्हित करके हम लोग नोटिस इशू कराएंगे, उन पर
जो भी नियम अनुसार जुर्माना उन पे आरोपित करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।